चाय को कितनी बड़ी जगह है। अब अपने क्रोशियों के लिए यहीं से डाइट लेने आया करेंगे। हमने इन अंकल से बात करें, ये रोजाना हमें थोड़ा भर के दे दिया करेंगे डाइट। काफ़ी ज़्यादा बड़ी जगह है, अंकल अपने लिए भी लेके जा रहे हैं खोतेड़ी पे। वो मैंने उनको कहा ब्लॉग में आना चाहते हो क्या? नहीं, मुझे ब्लॉग मेरा दिखाना। दोस्तों मैं अब यहाँ से अपनी डाइट ले रही क्रोशियों के लिए, फिर घर जाके आपसे मिलता हूँ। और देखो बिलाल भाई डाइट ले रहे हैं। तो कैसे आप सभी के, तो सब कैसे हो गए? चलो आपको दो मान में रखे दोस्तों, डाइट ले हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डाइट ले रहे हैं। और ला के इसको अच्छी तरह कवर कर दे ताकि सूख ना जाए, ख़राब ना हो जाए। और दोस्तों माशाल्लाह बिल्कुल ताज़ा घास लेके आए हैं। रैबिट के लिए देखो कैसे ताले हो रहे हैं कि हमें खोलो हम खाएंगे। देखो दोस्तों खोला है, फौरन बाहर आके खाने लग गए हैं लोग। इनको यहाँ पर खाने देते हैं और अंदर के दोस्तों सफाई दोबारा है, तो फिर कर लेते हैं। फिर उन्होंने सारा कचरा कुचरा कर दिया। ये यहाँ पर कैसे आया उठा के यहाँ पर देते हैं भाई। दोस्तों ये टूटी अभी हमसे ठीक ही नहीं हो रही ना, भी ला के लगानी पड़ेगी। सारा पानी पानी कर दिए दोस्तों, माशाल्लाह सफाई काफ़ी है। और दोस्तों आज का जो मौसम है ना, वो बस बहुत ठंडा ठंडा मौसम, आप देख सकते हैं कितना प्यारा बाइक का मौसम हुआ हुआ है। ऊपर जाकर दोस्तों आपको दिखाता हूँ। इनको बंद करें दोस्तों, इन्होंने सारा घास खराब कर देना है। दोस्तों इनको बंद करते हैं, फिर ऊपर जाकर आपको मौसम भी दिखाते हैं। और जंगली पिंजों के लिए रोटी भी मैं लेके आया था, ये भी ऊपर ऊपर जाकर उनको डाल देते हैं। पहले इनको बंद कर देते हैं, ये अंदर नहीं जाए दोस्तों। मैं ऐसे करता हूँ, थोड़ी सी डाइट इनके लिए अंदर रख देता हूँ ऐसे, अब शायद आ जाएंगे। चलो भाई अंदर, नहीं दोस्तों चलो दोस्तों इनको अंदर बंद कराया मैंने, बंद करके दोस्तों ऊपर चलते हैं। चलो दोस्तों चलते हैं ऊपर, ऊपर जाकर आपको मौसम दिखाता हूँ। यार रोटियाँ उठा लूँ जंगली पिंजों के लिए, यहाँ से रोटियाँ भी ले ली हैं। ऊपर जाके उनको डाइट भी डाल लेते हैं और जाके मौसम भी देखते हैं। वाह दोस्तों काफ़ी प्यारा मौसम है आज का। तो सुबह से दोस्तों ऐसा है मौसम है, ठंडा ठंडा, हल्की हल्की बारिश भी हुई है। देख लेते हैं कितना ठंडा ठंडा मौसम है। और रोटियाँ डाल लेते हैं सबसे पहले। सुबह मैंने दोस्तों डाली थी, अब देखने पड़ी हुई हैं। देखें दोस्तों बिल्कुल थोड़ी सी है, पहले इसको धोते हैं, साफ़ करते हैं, इसको यहाँ पर रखते हैं और इसको उठा के दोस्तों हम धो लेते हैं पहले। जी जो रोटियाँ इसके अंदर हैं दोस्तों, इसको इस यहाँ पर पलटा देते हैं दोस्तों। इसको मैं साफ़ करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। मुझसे अकेला ये साफ़ और ये मोबाइल नहीं पकड़े आएगा। बिलाल भाई पता नहीं कहाँ पर गए, वहाँ पर दोस्तों के साथ गए हुए हैं। यहाँ से डाइट डाल के इधर ये डब्बा उठाने आया, तो देखो एक छोटा सा कौवा आ गया, रोटी उठा के भाग भी गया दोस्तों। इनको बहुत भूल रहे हैं, चल नीचे चलते हैं फिर आपको मिलते हैं। ये देखो दोस्तों हमारा माशाल्लाह से पुदीना भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर देता है। फिर रैबिट ऊपर आते हैं, सारा खाते हैं, फिर ग्रोथ होने लग गया। आपकी वाली में चीनी मिल को ऊपर नहीं आने दूँगा, ना उसकी बेबी रैबिट को आने दूँगा। नीचे चलते हैं। अब आप लोग सोच रहे होगा कि ये मैंने क्या किया हुआ है, इसके अंदर मैंने मेन रैबिट को बंद किया हुआ है। वो बहुत तंग करता था यार, मारता बहुत था, आप देख सकते हैं इसके अंदर है वो दोस्तों, बिल्कुल सामने है कैसे बैठा हुआ है। हाँ भाई क्या करते हो? डाइट दोस्तों उसकी पड़ी हुई है, पानी भी रखा हुआ है नीचे, सामने भी है, खा पी रहे हैं। इसकी आंखें दोस्तों देखो कैसे चमक रही हैं दोस्तों, आप देख रहे हो दोस्तों। मुझे काफ़ी जगह शक पड़ रहा है कि हमारी चिली ने फिर बेबी रैबिट दे दी, क्योंकि ये बहुत सूखी सूखी रहती है और खाते भी बहुत है। हमें देखने पड़ रहे हैं आज अंदर जाके दोस्तों। मैं अंदर जाके पहले के बेबी रैबिट देखता हूँ। सर भाई राजू यार दोस्तों अंदर गया, पीछे चिली आ गई तो मारेगी बहुत। मैं अंदर जाके देखता हूँ उनके बेबी रैबिट, इसको साइड पे करना पड़ेगा दरवाजे दोस्तों। अब जो आकर ना बेबी रैबिट आ गए हो अंदर, तो चिली भी नहीं है इधर दोस्तों। दिए फर्स्ट टाइम इधर भी नहीं है, दूसरे फर्स्ट में दिए थे इसमें। माशाल्लाह से दोस्तों, माशाल्लाह से दोस्तों बच्चे आए, ये पता नहीं चिली ने दिए या उसके बेबी रैबिट ने दिए। माशाल्लाह से दोस्तों कितने प्यारे हैं, और ये आज के नहीं काफ़ी दिनों के बच्चे हैं दोस्तों। माशाल्लाह दोस्तों आप देख रहे हैं कितने प्यारे प्यारे बेबी रैबिट हैं दोस्तों। एक दो तीन चार पाँच है मेरे ख्याल से, कितने प्यारे दोस्तों सारे सोए हुए हैं दोस्तों। पता नहीं हमारी चिली ने बेबी रैबिट दिए हैं या उसके बेबी बेबी जो बच्चे पहले उसने दिए थे उसने दिए हैं, ये मुझे नहीं पता। बस बच्चे आए हुए हैं दोस्तों, मुझे शक पड़ रहा है चिली ने की है और तो कहीं नहीं है दोस्तों। दोस्तों मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बच्चे आ गए हैं। भाई जाकर देखते, मुझे लग रहा है चिली ने दिया है, जो अंदर आएगा उसने बच्चे दिए हैं।
अभी तक तो अंदर कोई भी नहीं आया। दोस्तों मुझे बहुत खुशी हो रही है, हमारी चिली ने या उसके बेबी रैबिट ने बच्चे दे दिए, और 5 बच्चे दिए दोस्तों, उनकी वाली पूरे 5 बच्चे। मैं एक दफा फिर देख लेता हूँ सारे सही तो है ना। माशाल्लाह दोस्तों आप देखें कितने प्यारे हैं, कैसे भरो दोस्तों। और सामने एक वाइट बच्चा भी है और ब्लैक एंड वाइट भी है। चलते अपने करते यार तंग हो गए हम, भाई चलते हैं और भाई जाके चिली से पूछते हैं इसे बच्चे देती हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। अंदर दोस्तों ये फीमेल आई है, अब पता नहीं इसने बच्चे दिए हैं कि किसने, मेल है कि फीमेल है दोस्तों, मेल है मेरे ख्याल से। दोनों वापस भाग गए दोस्तों, मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता, केज को पहले बंद करके बाहर चलते हैं। अरे आ चुके, मुझे बहुत खुश हो रही है, इन्होंने बेबी रैबिट देखो दोस्तों कहाँ पर चढ़ के डाइट खा रहे हैं। हाँ भाई चिली तुमने बच्चे दिए हैं, किसने बच्चे दिए मुझे बता दो। मुझे तो लगा दोस्तों चिली ने बच्चे दिए, क्योंकि ये खा भी आजकल बहुत रही है और मारने भी लग गई आगे से। चलो दोस्तों इनको बंद करते हैं, वरना ये सारी घास खराब कर देंगे। चलो भाई अंदर चलो चलो चलो। बस बस आपने कमेंट में बताना है कि चिल्ली के बच्चे कैसे हैं, बोल मुझे तो प्यारे लगे। और आपकी बारी 6 या 5 बच्चे हैं, 6 या 5 माशाल्लाह से। सबको दोस्तों बंद कर चुके हूँ और थोड़ी सी डाइट भी अंदर डाल दी है। दोस्तों आज से मैं डेली व्लॉग बनाऊंगा, और आपने भी मैं बताना चिली के बच्चे कैसे हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इस दोस्तों आज के हमारी वीडियो मेक करता हूँ, आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो लाइक लाजमी कर दो, मेरे चैनल अच्छे वीडियो पैट को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दो। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी जी अल्लाह हाफिज़। दोस्तों मुझे बहुत खुशी है, बिलाल भाई को नहीं पता हमारे बेबी रैबिट आ चुके हैं, भाई चिली ने दिए किसने दिए ये नहीं पता, ये भी पता लग जाएगा। बस डाइट भी काफ़ी आ चुकी है, टेंशन नहीं है किसी चीज़ की भी।